गर्लफ्रेंड को मिलने कैसे बुलाए, या तो फिर लड़की को डेट पे कैसे ले जाए, कौन सी टिप्स हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर 3 पे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। लड़कियों को ह्यूमर भरी बातें बहुत ही पसंद आती है, मगर डेट पे ले जाने के लिए आपको पहले उस तरह का माहौल बनाना होगा कि आपके साथ वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। आपके साथ आकर हाँ ना कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तो आप कंफर्टेबल माहौल उनको दे सकते हैं। इसीलिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे पहले लड़की देखेगी। आप कैसी बात को मजाक बना सकते हैं, कैसे बातचीत को शुरू करते हैं, कैसे बातचीत को एंड तक ले जाते हैं, कौन सी बात को कितनी वैल्यू करते हैं, ये सब कुछ वो देखते हैं। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ ये सब कुछ देखते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे डेट के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो आप कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजाकिया है या नहीं, क्योंकि आपके साथ आकर डेट पे वो करेंगे क्या। अगर आप मुंह फुला के बैठे, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा हंसते नहीं है, बोलते नहीं, तो आकर वो डेट पे करेंगे क्या। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। नंबर 2 पे है आपके कपड़े और आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, महंगे कपड़े पहन लीजिए, नहीं। कपड़े आपने जैसे भी पहने हो, हाइजीन हो, थोड़ी फैशन मैच होती हो, जैसे कि अब आपने कुछ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वैसा कुछ थोड़ा बहुत पहन लिया, अच्छी हेयर स्टाइल हो, और खास करके बॉडी लैंग्वेज, उनके सामने घबराई हुई बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा खुलापन भी नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत ही फ्रेंडली हूँ, सब कुछ आपके, आप पहली डेट पे मेरे साथ नंगी बातें भी कर सकते हैं, गंदी बातें भी कर सकते हैं, ये बिहेवियर भी बेकार है। अच्छा खासा ठीक ठाक एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ज़्यादा शर्म वाली भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंट, जैसे सीधे पैर सीधे हाथ से, डर ना हो चेहरे पे, ऐसे आप बैठे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप उनको डेट के लिए तैयार कर सकते हैं, ये एक रिलेशन बनाता है कॉन्फिडेंस। नंबर 1 पे है हमेशा बातों बातों में डेट के लिए पूछिए, सीधा कभी भी डेट के लिए ना पूछिए। जैसे कि कुछ और बात चल रही है और आप कह रहे हैं मेरे साथ डेट पे चलेंगे, ऐसा मत करिए, कुछ माहौल बनाइए। हो सकता है कोई सीन ऐसा क्रिएट कीजिए डेट का, और धीरे 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 उनको उस दिशा में ले जाइए। क्योंकि सीधा पूछेंगे उनकी इच्छा है या नहीं है वो 2 नंबर की बात है, लेकिन सीधा पूछेंगे किसी को भी ऑड लगेगा, लेकिन बातों बातों में घुमा घुमा के अगर आप इनडायरेक्टली पूछते हैं तो हो सकता है ये संभावना ज़्यादा है कि वो डेट के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हर एक की इच्छा होती है, अगर लड़का सामने ठीक ठाक है, अच्छा है, तो आने की इच्छा हर एक की होगी, लेकिन आपको एक सही माहौल देना होगा, तब जाके एक लड़की डेट के लिए आती है। इसीलिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपको ठीक ठाक कपड़े पहनने, बॉडी लैंग्वेज, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा, और सीधा कभी भी डेट के लिए नहीं पूछना है, इनडायरेक्टली पूछ। तो मेरे प्यारे पहले 200 फ्रेंड वीडियो को देख रहे हैं सारे, जी अब फराजा मजनू लैला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।